वेलकम बैक टू अराउंड द किचन। आज हम बनाएंगे दाल फ्राई। सबसे पहले हम एक कुकर में हाफ कप मूंग दाल, 1/4 कप तूर दाल और 1/4 कप चना दाल लेंगे। तीनों दाल को हमने पहले से ही आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पकाएंगे। 2 सीटी के बाद हम इसे विसल निकाल के इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाएंगे। दाल का कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल को हम गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें हींग, कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सौटे करते रहेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। इसमें 1/2 टीस्पून और नमक डालेंगे। ध्यान दीजिए, हमने दाल में भी अलग से नमक डाला हुआ था। मसाला रेडी है। अब हम इसमें हमारा पकाया हुआ दाल डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए और कटा हुआ धनिया डालेंगे और हमारा दाल फ्राई रेडी है।